गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम एडजेक्टिव्स के टाइप्स कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे एडजेक्टिव्स की। उसके टाइप्स हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं। वी विल सी द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब देखिए बेटा, आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, रोहित इज़ अ क्लेवर स्टूडेंट, राइट। अब यहाँ पर देखो कि जो रोहित है उसकी क्या क्वालिटी बताई गई है, क्लेवर। तो इसलिए ये कौन सी टाइप हो गई, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो ये आपके बुक में गिवन भी है पहले से, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट। अब देखो बेटा, सेकंड जो एग्जांपल है वो हमने खुद से करना है। अब देखो, दे सुमन गेव मी 5 रुपीज़। अब उसने रुपीज़ कितने दिए, 5, तो ये फिक्स नंबर हो गया ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और आप इसको बेटा डेफिनेट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डेफिनेट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। तो कौन सी टाइप हो गई बेटा, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेकंड देखो बेटा, आपकी बुक में थर्ड है, डू यू लाइक दैट कार, डू यू लाइक दैट कार। यहाँ पर जो वर्ड है बेटा दैट, क्या वर्ड है आपके पास, दैट। ये किसको शो कर रहा है बेटा, डेमोन्स्ट्रेशन को। क्योंकि बेटा देखो, मैंने आपको यहाँ पर इस पेज पे बताया था, लास्ट पेज पे, जो दिस दैट, यहाँ देखिए बेटा, ये जो वर्ड बताए थे आपको, दिस दैट दीज, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स थे, डेमोन्स्ट्रेटिव की, राइट। तो हम ये क्या हो जाएगा हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। उसके बाद देखो बेटा, एवरी वर्ड इज राइट, क्या चीज़, एवरी वर्ड इज राइट। अब जो एवरी वर्ड है, एवरी, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये किसको शो करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव को, किसको शो करें, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये कौन सी टाइप हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट, फिफ्थ, आपको देखो बेटा, विच बाइक डू यू लाइक, डू यू वॉन्ट टू बाई। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, तो ये आपको पता चल रहा है, विच वर्ड भी गिवन है, क्वेश्चन मार्क भी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, राइट। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, एन इंडियन वाइफ। अब यहाँ पर क्या, ये प्रॉपर हो गया ना, मैंने वर्ड कहाँ से बनाई है, इंडियन, इंडिया से बना है ना, प्रॉपर कंट्री से बना ना इंडियन वर्ड, तो वाइफ कौन सी है, वो इंडियन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव, राइट। उसके बाद देखो बेटा, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अब जो किंग है उसकी क्वालिटी क्या है, ग्रेट है, किंग की क्वालिटी क्या है, वो ग्रेट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या हो जाएगा ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट देखो, शी गोट सेकेंड पोजिशन इन द क्लास, शी गोट सेकेंड पोजिशन। अब ये क्या है, सेकेंड, थर्ड, ये क्या है, नंबर है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद देखो, ही हैज़ नो सेंस, ही हैज़ नो सेंस। तो बेटा इस तरह, इस टाइप के जो वर्ड्स आ जाए ना, नो, सच, ये किस में काउंट हो जाएंगे, क्वालिटी में, किस में काउंट हो जाएंगे, क्वालिटी में। तो जो ये वाला है नाइन्थ और जो टेंथ सेंटेंस है आपका, दोनों ही किस में आएंगे, क्वालिटी में, किस में आएंगे, क्वालिटी में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखो, वी एट 2 एप्पल्स। यहाँ पर भी उन्होंने क्या बता दी, संख्या बताई है, ठीक है, नंबर बताया, तो क्या हो जाएगा ये, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट। अब यहाँ देखो, सेवरल ट्रीज वर प्लांटेड, ठीक है, सेवरल ट्रीज, अब है तो ये भी बहुत ट्रीज, ट्रीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये फिक्स नंबर नहीं बताया गया, हमें नहीं पता कि कितने हैं, तो क्या हो जाएगा ये, एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो है, लेकिन क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट, क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट। और ऊपर वाले में क्या था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, डेफिनेट, ठीक है, तो दोनों में बेटा ये डिफरेंस है। उसके बाद देखो, ही डिड नॉट ईट एनी फूड, ही डिड नॉट ईट एनी फूड, क्योंकि बेटा ये हम खाने पीने की चीज़ है। अब देखो बेटा, आप यहाँ कहोगे काउंटिंग तो यहाँ भी नहीं है, और काउंटिंग यहाँ भी नहीं है, राइट, है तो दोनों इनडेफिनेट, लेकिन क्या है ये क्वांटिटी में आएगा, और ये क्वांटिटी में आएगा, और क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और ये नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि खाने पीने की जो चीज़ है बेटा वो किस में आएगी, क्वांटिटी में, किस में आएगी, क्वांटिटी में, इसलिए ये क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और ऊपर वाला क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। दीज स्वीट्स, अब बेटा यहाँ पर
दीज, इन्होंने इशारा किया ना, डेमोस्ट्रेशन क्या आ जाएगा, डेमोस्ट्रेटिंग, जैसे यहाँ पर था ना दैट, दैट वर्ड हमने किया था यूज, तो ये क्या है दीज, तो ये भी क्या हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद है बेटा हुज हाउस वाज ऑन फायर एट नाइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और हुज वर्ड भी है तो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो हमारी बेटा ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। आप इस एक्सरसाइज को कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले आप पिछले वाले जो वीडियोज हैं आप एक बार उसको देखेंगे, उसमें आप कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करेंगे, राइट। अब मैं इसकी पिक नहीं भेजूंगी बेटा, आपको इसको वीडियो को देखकर ही अपने आप इसमें फिल करना है अपनी बुक में। उसके बाद जो है बेटा आपके पास देखो यहाँ पर ये डिग्री दी हुई है, ये आपको लर्न करनी है। यहाँ पर देखो एडजेक्टिव कंपैरिजन, ये थ्री टाइप्स के हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये आपने बेटा सिक्स्थ क्लास में भी किया है, तो ये पेज आपको करना है। आप इस पे मार्क कर लें, चाहे बुक में नोट कर लें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें, या फिर आप बुक में मार्क कर लें, लेकिन पेपर में इसमें से आएगा बेटा। ये देखो बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, ठीक है, ये सारा पेज आपको करना है। इसी तरह से बेटा आपको ये भी करना है, राइट। तो ये आपको इतना लर्न करना है। आज के लिए इतना ही बेटा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।